हेलो गाइस, दिस इज कैसर, यू आर वाचिंग द ट्रैवल एंजर एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम माउंटेन। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क फ्रॉम माउंटेन में क्या कॉस्टिंग पड़ती है, क्या फैसिलिटीज़ होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कहाँ पे रुकना चाहिए। एंड गाइस, आप जब भी वर्क फ्रॉम माउंटेन का प्लान करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्टल चूज़ करना, क्योंकि आप जब भी हॉस्टल चूज़ करते हो फर्स्ट थिंग एक तो आपको वो सबसे ज़्यादा चीप पड़ेगा एंड आप हॉस्टल में रोज़ नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, उनसे बात करते हो, आपके दोस्त बनते हैं, आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हो, सुनते हो, उससे आपको लोगों को जानने का मौका मिलता है। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग का। तो मैं यहाँ पे एक हफ्ते से हूँ द हॉस्टलर में, तो इस हॉस्टल का जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ा है 350 एक बेड का एंड 150 पर मील का, यानी कि मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर लिया हुआ है। लंच मैं बाहर करता हूँ क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ट्रैवल करता हूँ, राइड करता हूँ, बाइक राइड अपने अपने दूसरे जो भी लोकेशंस होते हैं उस लोकेशन पर जाता हूँ, तो लंच ऑब्वियसली मेरा बाहर होता है, तो लंच को मैंने यहाँ स्किप किया हुआ है। तो 150 मेरा पर मील हो गया एंड 350 मेरा पर डे का बेड का चार्जेस हो गया। टाइम एक्सटेंड करवाओगे, जैसे महीने का लोगे या उससे ज़्यादा का लोगे, तो आपका जो चार्जेस होगा वो कम होता जाएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मैंने वर्क फ्रॉम माउंटेन इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप जब भी एक सिटी लाइफ से दूर आते हो किसी आइसोलेटेड प्लेस में, किसी शांत सीनिक ब्यूटी वाले प्लेस में, तो वहाँ आप बिल्कुल फोकस्ड रहते हो अपने चीज़ों को लेकर के और काफ़ी ईजी होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप इजिली सारा काम कर सकते हो। काफ़ी टाइम से प्लान्स बन रहे हैं बट लेकिन कभी हो नहीं पाया जॉब की वजह से, बट इस बार मेरे पास मौका है, लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, माउंटेन्स में बैठ करके काम करना इज़ लाइक आप हेवन में बैठे हुए और लाइक सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, आई फील रियली ग्रेट। सो गाइस, टाइम आ गया अलविदा कहने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना इंस्टा अकाउंट लिंक मैं डालो डिस्क्रिप्शन में, सो डू चेक इट आउट।